नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंजीनियर बनने के योग के बारे में। इसके पहले आपने मेरे सब वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने बताया कि दशम भाव से क्या करियर हो सकता है, दशम भाव में जो राशि है उसके अनुसार क्या करियर हो सकता है, लग्न के हिसाब, लग्न बलवान हो तो कौन सा करियर हो सकता है, कौन भाव अगर बलवान हो आपके तो कौन सा करियर हो सकता है, उन सब का अगर निचोड़ लेंगे और साथ में फिर अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमको अगर इंजीनियर बनना है तो हमारे कौन सा भाव होना चाहिए, कौन सा ग्रह होना चाहिए, उसके अनुसार हमें करियर का चुनाव कर सकते हैं और इंजीनियर बनने के योग क्या हो सकते हैं वो जानने की हम कोशिश करेंगे। कि सर्वप्रथम आप देखिए कि लग्न हमेशा बलवान होना चाहिए, तो उसके पश्चात हम ये सिर्फ उदाहरण के लिए एक कुंडली लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुंडली वाले ही वो बनेंगे। आप अपनी कौन सा भी लग्न कुंडली हो आप उसमें ये देखिए कि जो हम बता रहे हैं वो अगर उसमें हो सकता है तो आपको थोड़ी जानकारी हो सकती है। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है जो आपको गाइड कर रहा है कि आपका करियर इंजीनियर बनना हो तो हमें अपनी कुंडलियों में क्या देखना चाहिए। तो इस तरह देखिए कि अगर लग्न बलवान होना चाहिए, उसके बाद में आप देखिए कि दशम भाव जो कि करियर का होता है वो बलवान होना चाहिए, उसके पश्चात हमें देखें कि जो ग्रह हमें इंजीनियर बनाते हैं वो है मंगल है, राहु है, शनि है, केतु है, बुध है। ये ग्रहों का प्रभाव चौथे पांचवे भाव पे होना चाहिए तथा दशम भाव पे होना चाहिए तथा इनके एक दूसरे से ये युति बनाते हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो होना चाहिए। दूसरा भाव, छठा भाव और दसवां भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है और ये छठा भाव जो है आपके डेली रोजगार का, नौकरी का भाव है, और ये दसवां भाव कर्म का भाव है। पे इन पे इन भावों पे और ये एजुकेशन का भाव है चौथा और पांचवा। यहाँ पे जितने टेक्निकल ग्रह हैं आपके, मंगल है, राहु है, सूर्य है, शनि है, केतु है, इस तरह से मंगल आपके जो ग्रह सन, ये इतने ग्रहों का अगर प्रभाव चौथे भाव पे हो, पांचवे भाव का हो और दसम भाव पे हो और इनका आपसी संबंध, युति संबंध इन भावों के स्वामियों के बन रहे हो तो आप टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में आप अपना करियर व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी ग्रह है, शनि मंगल ग्रह है जो मैकेनिकल इंजीनियर का कार्य क्षेत्र बनाते हैं, अगर मंगल और शनि का अच्छा योग बन रहा हो और वो बलवान होंगे तो आप मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, साथ में मंगल राहु का अगर अच्छा प्रभाव होगा तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं। इसके बाद में अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो तो वहाँ पे मंगल शनि का साथ साथ में मरकरी वगैरह का भी रोल होता है, तो इस तरह से वो सिविल इंजीनियर हो सकता है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, उसमें बुध शनि शुक्र इनका प्रभाव अगर चौथे पांचवे दशम भाव में हो रहा होगा तो ये आपको जो हमने बताया वो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का कार्य क्षेत्र में जा सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि आर्किटेक्ट बनना है तो आपका जो प्रभाव है ये टेक्निकल ग्रहों के साथ में मरकुरी वेनस स्ट्रांग होना चाहिए तो आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि इंजीनियर बनने के लिए सर्वप्रथम शनि मंगल का अच्छा योगदान रहता है, वो दशम भाव से उसका वो रहता, उनका प्रभाव रहता है और एजुकेशन के घरों में भी अगर इन घरों का चौथा भाव पांचवा भाव एजुकेशन घर देखिए, जैसा मंगल का प्रभाव राहु का, शनि का, केतु का, तो ये टेक्निकल क्षेत्र में एजुकेशन दिला के जब आपका इनका संबंध दूसरे छठे और दसवें भाव से बनता है, इनके स्वामियों से बनता है तो आप टेक्निकल फील्ड में आपका एजुकेशन होता है और आप इंजीनियर बन जाते हैं।
तो इस तरह देखा हमने कि राहु का प्रभाव हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहता है, शनि और मंगल का प्रभाव होगा तो आप मैकेनिकल इंजीनियर रहेंगे, सिविल इंजीनियर के लिए आपका शनि और मंगल साथ साथ में बुध का भी प्रभाव होगा तो सिविल इंजीनियर हो जाते हैं। इस तरह आपने देखा कि टेक्निकल ग्रहों का प्रभाव चौथे पांचवें पे हो तथा उनका स्वामियों का प्रभाव दशम भाव और दशम भाव के स्वामी से हो और दूसरे छठे दसवें ग्रहों एक आपके ये छठा भाव नौकरी का है और तथा दसवां भाव कर्म का है तो इनका जब प्रभाव न होता है तो आप ये जो भी हमें इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए आप योग्य हो जाते हैं। तो इस तरह साथ साथ में बुद्ध बुद्धि का कारक है, वो भी अच्छा बलवान होना चाहिए तभी आप पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। ज्ञान का मालिक गुरु है, गुरु और बुद्ध का अच्छा होगा तो आप अच्छे इंजीनियरिंग की स्टडी अच्छी कर सकते हैं। और टेक्निकल फील्डों का प्रभाव चौथे पांचवें दसवें भाव पे होने से आप वो फील्ड में जा सकते हैं और जो ग्रह हमने बताया है जिस फील्ड के लिए है वो उनका ज्यादा प्रभाव होगा तो आप अपना करियर उसमें मैकेनिकल सिविल आर्किटेक्ट इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर में आप अपना फील्ड बना सकते हैं। जो ग्रह हमने बताया जिनका प्रभाव जैसा ज्यादा होगा कुंडली में तो वो आप अपना उस तरह से आप उस फील्ड में जा सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से आप अपना करियर बनाने के लिए इंजीनियरिंग में आप देखेंगे पहला भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, दसवां भाव, साथ साथ में एजुकेशन के भाव, चौथा, पांचवा, नौवा भाव तथा साथ साथ में जो टेक्निकल ग्रह हैं मंगल, राहु, शनि, केतु, सूर्य, इनका प्रभाव जितना होगा वो आप टेक्निकल फील्ड में जाएंगे। और जो जो ग्रह से संबंध है जैसा कि हमने आपको बताया कि शनि जो ग्रह है, मंगल ग्रह है, इनका आप जैसा प्रभाव होगा वैसा आप अपना करियर बना सकते हैं। तो हमने आपको बताया है कि इंजीनियर का जो कारक ग्रह है मंगल है, वो भूमि पुत्र है, मंगल जैसा है भूमि पुत्र है, तो ये मंगल खनिज का है, रंग का, रसायन, फार्मेसी, धातु, सीमेंट, फैक्ट्री आदि का कारक है। शनि है जो कि मशीनरी का है, लोहा, पत्थर, मजदूरी, हार्डवेयर, शस्त्र, इलेक्ट्रिकल कार्य आदि का कारक है। इसी तरह से दशम भाव कर्म का भाव है, छठा भाव अपना डेली रोजगार का है, नौकरी का है। तो इस तरह के इन भावों का प्रभाव जब होता है तो आप इस तरह के कार्य क्षेत्र जो है हमने बताया ज्योतिष टेक्निकल क्षेत्र के लिए बताया हमने इंजीनियर का, तो वो सब हो सकते हैं। मंगल बुध है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कारक है, मंगल बुध जैसा प्रभाव दशम भाव पे पड़ रहा है तो ये आप अगर ये ज्यादा बलवान है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं। मंगल बिजली का कारक है तो बिजली से संबंधित कार्यों में इंजीनियर बन सकते हैं। बुध तर्क शक्ति लगती है तो आपको तर्क शुक्र और बुध का और टेक्निकल ग्रहों का अगर का वो बनता है तो आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। इस तरह से मंगल, शनि, राहु, केतु जो ग्रह हैं वो इंजीनियरिंग के ग्रह हैं, जो टेक्निकल ग्रह हैं, अच्छी मेहनत भी करवाते हैं, हार्ड वर्किंग वाले ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं तो हार्ड वर्किंग करवाते हैं। जिस तरह से हमने लग्न कुंडली देखी ऐसे दशमांश कुंडली में भी इन ग्रहों का प्रभाव, इन भावों का प्रभाव देखना चाहिए, साथ साथ में उसकी भी सहायता लेना चाहिए। तो इस तरह से जब जब भी पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, दसवां, नवा भाव, ये सब का प्रभाव और ये टेक्निकल ग्रह मंगल, राहु, शनि, केतु, सूर्य का प्रभाव जितना इन पे होगा तो इनके चौथे पांचवे भाव से टेक्निकल स्टडी होती है और बाद में दूसरे छठे दसवें भाव के इन पे प्रभाव होने से आप नौकरी व्यवसाय करते हैं। साथ साथ में बुध और गुरु की स्थिति अच्छी होना चाहिए जो आपको यहाँ तक ले जाती है। इस तरह आपने देखा कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको कार्यरत होना है तो हमें इस तरह का प्रभाव देखना चाहिए। तो आपने जाना कि
ये अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल एस्ट्रॉलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दीजिए। आप भी टेलीफोन से परामर्श चाहते हो तो मामली दक्षिणा देके टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।